गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भारती बागाती, टीचर UPS आरमपुरा। हम जो ये लेसन था फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड, इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने क्या पढ़ा था, ये जो एलिस है उसको क्या मिलता है, एक खरगोश मिलता है वेस्ट कोट पहने हुए। तो वो हैरान हो जाते कि क्या खरगोश कभी वेस्ट कोट पहन सकता है, और वो बातें भी करते, उसके पास घड़ी भी थी। तो उसके बारे में जानने के लिए वो उस खरगोश के पीछे पीछे गई। जब उसके पीछे गई तो वो खरगोश किसके अंदर घुस गया, एक होल के अंदर। वो होल क्या था, फिर आगे जाके कुआं था, तो वो भी उसके अंदर घुसी और वो उसके जो वेल था उसके अंदर गिरती चली गई। उसको एंड भी नहीं मिल रहा था कि ये जो वेल है इसका कोई एंड ही नहीं। वहां पे उसने क्या देखा, उसको ऑरेंज जैम मिला, शेल्फ्स मिले जिसपे किताबें पड़ी थी, बहुत सारी पेंटिंग्स थी, बहुत सारी चीजें मिली। उसने वो जैम उठाया, उसने सोचा मैं उसको गिराऊंगी तो, लेकिन हाँ किसी को नुकसान शायद लगेगी तो नहीं किसी, तो उसने वो जैम उठा के शेल्फ पे डाल दिया। फिर एक जगह वो किस पे गिर गई, एक जगह वो चल रही थी तो वहां पे क्या था, हीप था किसका, छड़ियों का और ड्राई लीव्स का। फिर वो उसके ऊपर से गिर गई। अब उसके आगे पढ़ते हैं कि उसके आगे क्या हुआ था। द फॉल वॉज ओवर, शी केम नाउ ऑन ए हीप ऑफ स्टिक एंड ड्राई लीव्स। की वो किस पे गिर गई थी, स्टिक्स का, वो एक ढेर था किसका, छड़ियों और ड्राई लीव्स का। द फॉल डिड नॉट, क्या था, वो जो गिर रही थी तो उसका कोई उसको अंत मिल ही नहीं रहा था। वो बोल रही थी कब मैं नजदीक पहुंचू। फिर वो अपनी उस दीना को मिस करती, दीना क्या थी, वो उसकी पेट कैट थी, उसकी बिल्ली थी, उसको बहुत मिस करती, वो थी काश वो उसके साथ होती। लेकिन कहते हैं आई विश यू वर डाउन विद मी, एलिस वॉज नॉट ए बिट, कहते हैं ये जो एलिस जब वो गिर रही थी उसको कोई चोट नहीं पहुंची। शी कुड नॉट सी द रैबिट एंड शी फाउंड हर सेल्फ इन ए लॉन्ग लो हॉल विच वॉज लिट अप बाय रो ऑफ लैम्प्स हैंगिंग फ्रॉम द, कहते हैं ये जो एलिस थी उसको कहीं वो खरगोश दिखा ही नहीं। जब वो नीचे गिरी, नीचे पहुंची, उसने क्या देखा, एक हॉल सा देखा उसको, और उसपे एक रो ऑफ लैम्प्स, एक जो तार थी किसकी लगी हुई थी, लैम्प्स की। लैम्प्स क्या होते हैं, दिए, हैंगिंग, हैंगिंग में लटक रहे थे कहाँ पे, रूप से वो जो लैम्प थे वो लटक रहे थे। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल, कहते और वहां पे उस हॉल के इर्द गिर्द क्या थे, दरवाजे थे, बट दे वर ऑल लॉक्ड, लॉक्ड मीन्स बंद, वो जो दरवाजे थे वो सारे बंद थे। शी वंडर्ड हाउ शी कुड गेट आउट अगेन, अब वो हैरान, वंडर मीन्स हैरान होना कि वो अब यहां से कैसे बाहर निकलेगी। सडनली उसको क्या, अचानक उसको एक टेबल मिला जिसकी तीन टांगे थी, जिसपे एक सुनहरे रंग की चाबी थी, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, इसके हाथ में चाबी, उसको ये चाबी मिली। अब वो ट्राई कर रही थी कि शायद ये चाबी किसी ताले में लग जाए, कहीं पे जो ताले बड़े थे चाबी छोटी थी। आखिरकार उसको किसी भी ताले में वो चाबी नहीं लगी। हाउवर द सेकंड टाइम राउंड शी सा येलो कर्टन, अचानक उसको दूसरे टाइम उसको क्या मिला, एक कर्टन मीन्स पर्दा, एंड बिहाइंड इट, उसके पीछे क्या था, एक डोर था, छोटा दरवाजा लगभग 15 इंच का। उसने कोशिश की वो चाबी उस ताले में डालने की और वो चाबी उस ताले में लग गई। तो एलिस ने क्या किया, दरवाजा खोला और उसने क्या देखा, वहां से उसको एक सुंदर खूबसूरत सा गार्डन दिख रहा था जो फूलों से और फाउंटेन से सजा हुआ था। उसका मन था कि वो गार्डन में चले जाए, लेकिन वो इतनी बड़ी थी कि वो उस होल में नहीं पहुंच पा रही थी। वो फिर से उस टेबल के पास गई और उसने क्या देखा, उस टेबल पे एक बोतल पड़ी हुई थी जिसपे लिखा था ड्रिंक मी, लेकिन वो डर रही थी अगर मैंने कहीं इसमें कहीं जहर तो नहीं है। शी एंशर्ड द बॉटल वॉज नॉट वर्किंग, अब उसे वो अपने आप को दिलासा दे रही थी कि बॉटल पे जहर नहीं लिखा। शी ड्रैंक इट, उसने वो पिया, एंड फाउंड हर सेल्फ श्रिंकिंग, जब वो पीती गई उसको लगा कि वो छोटी होती जा रही है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है ये बॉटल जो है वो पी रही है। शी वॉज नाउ द राइट साइज फॉर गोइंग थ्रू द लिटल डोर इन टू दैट लवली गार्डन, अब वो इतनी छोटी हो चुकी थी कि वो दरवाजे से घुस सके और उस गार्डन में पहुंच सके। एलिस गॉट इन टू द गार्डन बट सोन रियलाइज दैट शी हैड फॉरगॉटन द लिटल, कहते जैसे वो दरवाजे के अंदर वो भूल गई कि उसने तो चाबी साथ ली ही नहीं, इसलिए वो वापिस चली गई और उस टेबल पे चाबी, लेकिन वो अब इतनी छोटी हो गई थी कि वो उस टेबल तक पहुंच नहीं पा रही थी। सोन हर आई फेल ऑन ए लिटल ग्लास बॉक्स, फिर उसकी नजर किस पे पड़ी, उस बॉक्स पे जो टेबल के नीचे था। उसने जब वो खोला तो उस पे लिखा था ईट मी, मुझे खा लो। उसने क्या किया, वो केक खा लिया और वो क्या होती गई, बड़ी होती गई, आउट ऑफ द गोल्डन की,
नाउ शी वॉज टू बिग टू, अब वो उस दरवाजे से बाहर निकल सकती थी। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेसन में कराऊंगी।